The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year, question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन 1972 के बारे में. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन 1972. तो ये जो कन्वेंशन है 1972 में हुई थी एंड टॉपिक यही था, बायोलॉजिकल जो टॉक्सिक वेपन्स बनाए जा रहे थे और यूज किए जा रहे थे जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन फैलाने का काम कर रहे थे. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स में सम अप करेंगे इस पूरे के पूरे कन्वेंशन को. सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिस अग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1972. कब साइन करा गया? 1972 में साइन करा गया. अब 1972 में साइन तो हो गया था, बट कब फोर्स में आया, कब ग्राउंड्स में आया? सो इट केम इनटू फोर्स इन 1975. ठीक है, सो आफ्टर थ्री इयर्स 1972 में साइन हो गया, 1975 में इट केम इनटू फोर्स. ठीक है, एज ऑफ 2019, अब 2019 के डाटा को हमने रेफर करा है. सो 109 कंट्रीज हैव साइंड द ट्रीटी एंड 183 नेशंस आर पार्टी ऑफ दिस ट्रीटी. ठीक है, सो कितने नेशंस पार्टी है इस ट्रीटी के? सो 183 नेशंस ऑलरेडी पार्टी है इस ट्रीटीज के एंड 109 कंट्रीज ने साइन करा हुआ है. और सबसे ज्यादा रीसेंट जिसने ज्वाइन करा है इस पार्टी को वो देश है तंजानिया. इट वॉज द मोस्ट रीसेंट कंट्री टू बिकम अ पार्टी ऑफ द ट्रीटी. ठीक है, सबसे रीसेंट कंट्री कौन सी है? तंजानिया है. क्लियर, इट वॉज द फर्स्ट मल्टी लेटरल ट्रीटी टू बैन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स. ऑफकोर्स अब जब ये टॉक्सिक वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में कन्वेंशन हुआ है तो इन्होंने मिलजुल के, इन सारे देशों ने मिलजुल के ये डिसाइड करा कि किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल वेपन या बायोलॉजिकल टॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल वेपन नहीं यूज होना चाहिए. ठीक है, ये सबसे पहली मल्टी नेशनल ट्रीटी थी जो कि बायोलॉजिकल वारफेयर से जुड़ी हुई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने पर बैन लगाने के लिए, उसके प्रोडक्शन पर बैन लगाने के लिए बनाई गई थी. इट बैन्स द नेशंस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग. क्या क्या करा इसने? बैन करा फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, स्टॉक पिलिंग, एक्वायरिंग, रिट्रेनिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कैन बी यूज एज अ वेपन. तो वो सारे के सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स को प्रोड्यूस करना, स्टॉक करना, एक्वायर करना, रिटेन करना, इन सभी पे बैन लगा दिया गया. वो सारे के सारे पॉसिबल बायोलॉजिकल एजेंट्स जो बायोलॉजिक एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज किए जा सकते हैं उन सभी पे बैन लगा दिया गया. ठीक है, 1972 पे ये कन्वेंशन हुआ था, 1975 में ये जो अग्रीमेंट है, 1972 में अग्रीमेंट साइन हुआ, 1975 पे इट केम इनटू फोर्स. ठीक है,
अब जो इंडिया है, इंडिया रेटिफाइड दिस ट्रीटी इन 2015. इंडिया ने क्या करा, इंडिया रेटिफाइड दिस ट्रीटी. तो ट्रीटी का मतलब यही है कि जो भी इन्होंने अग्रीमेंट बनाया हुआ था, ठीक है, तो जो इन्होंने अग्रीमेंट बनाया हुआ था उसको इन्होंने सभी देशों को उन्होंने बताया, ठीक है. अब जो इंडिया है, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा, इंडिया ने भी इस अपना फॉर्मल कंसेंट दिया इस ट्रीटी में 2015 में, ठीक है. सो इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये भी इस कन्वेंशन, ये भी इस आप बोल सकते हो एक एक तरीके की पार्टी है, ये इसका पार्ट है. तो इंडिया ने भी अग्री करा कि हाँ, इंडिया भी किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल वेपन को ना ही बनाएगा, ना ही स्टॉक करेगा, अक्वायर करेगा और रिटेन भी नहीं करेगा. 2015 में इंडिया ने रेटिफाई किया, ठीक है. द स्टेट पार्टीज रिव्यू द ऑपरेशंस ऑफ दिस ट्रीटी एट द रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस. अब जो रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं उसमें जो स्टेट पार्टीज है वो सारे के सारे ऑपरेशंस को क्या करती है, रिव्यू करती है, ऑब्जर्व करती है. सो फार 8 रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस हैज बीन हेल्ड. सो अभी तक 8 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं. द 8th रिव्यू कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 2016 इन जिनेवा. कहाँ हुआ था, 2016 में जिनेवा में लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, 8th. अभी तक 8th रिव्यू कॉन्फ्रेंस. अब रिव्यू कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं तो 8 टोटल रिव्यू कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं. सबसे आखिरी बार 2016 में हुआ था. इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग कॉन्फ्रेंस एज दे कुड नॉट अचीव एनी मीनिंगफुल आउटकम. अब ये क्यों था डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कोई मीनिंगफुल आउटकम इन्होंने अचीव नहीं करा. द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस, दैट इज 9th रिव्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस, विल बी हेल्ड इन जिनेवा इन 2021. सो 2021 में इन्होंने बनाया हुआ था, बट ड्यू टू कोविड आई थिंक इट वॉजेंट पॉसिबल. तो ये 2021 में इन्होंने प्लान करा था, बट नाउ इट्स 2022. 2022 में ऐसा कोई रिव्यू कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, ठीक है. कोविड की वजह से ही ये कोई कोई भी रिव्यू कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई. कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा सा मिसप्रनाउंस कर दिया मैंने, तो कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जो 9th कॉन्फ्रेंस होने वाली थी. ओके, सो दैट्स इट अबाउट बायोलॉजिकल टॉक्सिक एंड वेपन कन्वेंशन 1972. एवरीवन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स जस्ट बाई रीडिंग इट. बहुत ही ईजी सिंपल है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय.